हेलो डियर स्टूडेंट्स वेरी 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 गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू चार्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी पवन वी हैव कवर्ड अ फेयर बिट ऑफ ग्राउंड यस्टरडे हमारा फर्स्ट लेक्चर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट सी ए इंटर का हो चुका है एंड यस दिस कोर्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय आई सी इंटर लेवल पे है हम लोग सो आई नीड नॉट टेल यू मच अबाउट सीए कोर्स यस गाइस आई एम योर प्रोफेसर फॉर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट आई एम अ स्ट्रेटिकार्ड अकाउंटेंट आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी एंड यस लेट्स गेट गोइंग दिस

लेकिन प्रोडक्ट में इनोवेट ना करते हुए कुछ मैनेजमेंट टैक्टिक्स लगा के हम लोग कुछ अच्छा जरूर कर सकते हैं राइट सो स्ट्रेटजी हम लोग आज कल हमने मैनेजमेंट केटर किया आज के लेक्चर में हम लोग स्ट्रेटजी देखने वाले हैं यस गाइस बट बिफोर दैट एस एम जब भी हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट हम जब भी पढ़ते हैं वट इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टार्टिंग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टेलमी गाइज इज करेक्ट वेन एवर वी स्टडी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट द पॉइंट ऑफ व्यू विल ऑलवेज बी विल ऑलवेज बी अ परिवरस्टैंडिंग ऑफ थॉट प्रोसेस इज ऑलवेज बिजनेस सो जब हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो देर आर फाइव चैप्टर्स इंट्रोडक्शन ऑफ एस एम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस

माइकल पोर्टर ने क्या कहा था अ कंपनी विदाउट स्ट्रेटजी इज विलिंग टू ट्राई एनीथिंग और फिर इतने ट्रायल्स एंड एरर्स हो जाते हैं कि वेस्ट हो जाते हैं वन मोर स्ट्रेटजिस्ट वी हैव सर हेनरी टोल्ड एस स्ट्रेटजी इज नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लानिंग बट द अपोजिट इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट स्ट्रेटजी हमने पहले से ही सोच के रखनी है ओके सो गाइस

जॉनसन एंड जॉनसन एंड वॉट रन बैक्सी खाइज इतनी सारी कंपनीज है हमारे पास और ये तो नोन कंपनी तो बड़ी कंपनी हमें पता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सो बिग हर जगह कॉम्पिटिशन है कार खरीदनी है आपके पास टोयटा से लेके फोक्स वैगन तक हॉंडा से लेके हिउंडा तक स्कॉटा से लेके सुजुकी तक इतने सारे ब्रांड है ऑटोमोब इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन जरूर बढ़ चुका है आपको सक्सेसफुल बनना है स्ट्रेटेजिक डायमेंशन यूज करना पड़ेगा ऑल द एक्टिव

ग्रुप ऑफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन हु इज इंचार्ज ऑफ इट्स अफेयर चलो सीए इंटर सी एस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट के लिए पास होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा है ये एशिका वॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स सीए इंटर के स्टूडेंट को पास होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है शुभम साक्षी सी स्टूडेंट को पास होना है सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो रिसोर्सिस ने यूज करना है टाइम टाइम करेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स वैसे ही जैसे हमने टाइम का डिस्कशन किया है वैसे ही एक कॉपरेट को सक्सीड करने के लिए कौन से रिसोर्सेज है जो उसने यू नो मैनेज करना है वट आर द रिसोर्सेज फॉर कॉपरेट टू सक्सीड एनी वन एन क्लू करेक्ट फाइव एम्स एंड वॉट आर दो फाइव एम्स टेल मी हा वेरी गुड सही बोल बोल करेक्ट मैन मशीन मटेरियल मार्केट एंड

एनवायरमेंट से इंटरेक्शन करवाना पड़ेगा और अडाप्टेशन भी करवाना पड़ेगा बिजनेस एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स प्लस इट इज वेरी मच डायनामिक बिजनेस एनवायरमेंट की स्टडी हर बड़ी से बड़ी कोका कोला गूगल एप्पल माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी हो आईबीएम जैसी बड़ी कंपनी हो या कुछ छोटे बिजनेस हो सबको इस एनवायरमेंट से डील करना है और एनवायरमेंट का सबसे मेजर इश्यू है इट कीप्स ऑन चेंजिंग सो हर बिजनेस को एनवायरमेंट के साथ क्या करना है बोलो इंटरक्ट करना है और अडाप्ट भी करना है जैसे विप्रो विप्रो पहले क्या बनाता था पाम ऑयल बनाता था वनस्पति घी बनाते थे लोग बेबी ऑयल बनाते थे फुल फॉर्म फुलफॉर्म उसका वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइन लिमिटेड था लेकिन आज सॉफ्टवेयर जॉयंट है समय के साथ वो भी बदले यू हैव टू अडॉप्ट कोलगेट पहले क्या करता था कोलगेट मी कोलगेट आज टूथपेस्ट पे है पहले कैंडल बनाते थे ये लोग कैंडल्स नोकिया का फर्स्ट बिजनेस सेलुलोफोन बनाना नहीं था टॉयलेट पेपर्स बनाते थे पहले समय के साथ सबने एनवायरमेंट के हिसाब से सबने बदला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट को ये अडाप्शन और चेंज को अडॉप्ट करवाना बहुत जरूरी है फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट कैन टेल मी द एंटायर आंसर व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट वेरी गुड सानिका दैट्स इट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट पार्थ व्हाट्स योर आंसर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग सबसे आखिरी में एकदम हम लोग कंट्रोलिंग इनिशियली नहीं बोलेंगे लेकिन यू हैव टू स्टार्ट यूर आंसर विद प्लानिंग दैट इज फॉर श्योर राइट और जो भी हम लोग करेंगे एज अ मैनेजमेंट वट एवर वी हैव प्लान इज अचीव इसके लिए हमें कंट्रोल चाहिए मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू डू वॉट मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू बोलो बोलो पढ़ाई नहीं करी है तुमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन सो दैट ऑल अबाउट दैट ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हमारे सिलेबस का नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आज के इस लेक्चर का हमारा पूरा कंसंट्रेशन होगा स्ट्रैटेजी पे सो गाइस शल वी स्टार्ट आइट ये वी गो कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी इन द कॉन्टेक्सट ऑफ बिजनेस ठीक है यू नो हम लोग ये स्ट्रैटेजी जो वर्ड है वी आर यूजिंग वी आर स्टडिंग इट इन द कॉन्टेक्सट ऑफ बिजनेस हर हर वर्ड का मीनिंग बदलता है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्सट डू यू अग्री गाइज ओ ए मेरे भाभी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरीज हर वर्ड का मीनिंग बदलता है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्सट डू यू अग्री कंटेक्स के हिसाब से मीनिंग चेंज होता है इंग्लिश लैंग्वेज इज फनी द एप्लीकेशन ऑफ द टर्म स्ट्रेटजी रिलेट्स टू द वे बिजनेस डिसाइड्स टू रिस्पॉन्ड टू द डायनामिक एंड ऑफन हॉस्टाइल एक्सटर्नल फोर्सेस एक मिनट व्हाट डू मीन बाय द वर्ड डायनामिक डायनामिक यानी क्या डायनामिक डायनामिक यानी विच कीप्स ऑन चेंजिंग तो एक्सटर्नल फोर्सेस आर वेरी मच डायनामिक इसका मतलब external forces keeps on changing and they are hostile what do you mean by the word hostile any clue hostile unfriendly correct beautiful unfriendly all right hostile means which is not friendly rather hostile means which is a little bit dangerous all right hostile external forces while pursuing their vision mission and objectives so guys strategy ये हमारा रिस्पॉन्स रहेगा डेंजरस अनफ्रेंडली विच कीप्स ऑन चेंजिंग एक्सटर्नल फोर्सेस को जहां पे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें एक मिनट चलो ऑब्जेक्टिव से याद आया हर बिजनेस का को शिट या लीक हो गया शिट वट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस एनी वन वट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस नो वन ऑब्जेक्टिव ऑफ अजनेस प्रॉफिट मत बोलना देखो प्रॉफिट तो है ही ना प्रोफिट तो बेसिक आंसर है ब्यूटिफुल आंसर सवाइवल स्टेबिलिटी ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी एंड 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 नो मैटर कोई भी जो बिजनेस है डे वन पे इट जस्ट थिंक्स अबाउट सवाइवल या अगर उसकी हालत खराब है तो तब वो ग्रोथ की सोचता नहीं है वो सिर्फ सर्वाइवल की सोचता है वंस यू हैव सर्वाइव्ड यू थिंक अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट स्टेबिलिटी एक बार हम स्टेबल हो गए तो हम लोग ग्रोथ के बारे में सोचते हैं जैसे सीए का फर्स्ट लेवल पास कर देना सीए फाउंडेशन पास करना ये ग्रोथ है क्या बताऊं तुम ही बता दो नहीं सर सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास कर लेना ये सिर्फ सर्वाइवल है सर्वाइवल के एक स्टेप ऊपर क्या है स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी जैसे ही जैसे हम लोग एक ही ग्रुप का सोचेंगे ना अभी सी एफ इन फाउंडेशन हम पास हो गए तो अब हम एक ही ग्रुप पास करने का सोचेंगे ट्रू अगर हम एक ही ग्रुप पास करने का सोचेंगे तो हम लोग स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी यूज करें लेकिन आई सर मैं तो दोनों ही करूंगा कोई है क्या हमारी क्लास में मैं तो दोनों ही करूंगा एक साथ चाहे कुछ भी हो जाए ऐसा एटीट्यूड वाला कौन है वेरी गुड पार्थ तू करेगा बेटा सो so, स्टेबिलिटी से ऊपर होता है ग्रोथ और हर बिजनेस का बेसिक ऑब्जेक्टिव तो है ही प्रॉफिट दैट गोज विदाउट सेइंग अच्छा एक बात बताओ मुझे नहीं पता आप कितने रिच हो मुझे नहीं पता आप कितने पुअर हो मुझे नहीं पता आप कितने मिडिल क्लास हो लेकिन अगर मैंने आपको दस रुपए की नोट दी तो विल यू बी विल यू एक मिनट डेमो ही दे देता हूं मैं आपको आई होप मेरे पास पैसे हो ओके ओके okay गाइस ये नोट मैं आपको दे देता हूं टू टीयर इट अपार्ट विल यू बी एबल टू टीयर इट अरे सर ज्यादा है बड़ा नोट है रुको छोटा नोट देता हूं मैं तुमको रुको या विल यू बी एबल टू टेयर दिस अ पार्ट ठीक है ठीक है हंड्रेड इज गुड फिगर विल यू बी एबल टू टीयर दिस अपार्ट सर हम सोनी फाड़ रहे हैं हम लोग ओके okay, ठीक है ठीक है ये और छोटा कर देते हैं विल यू बी एबल टू टीयर दिस अपार्ट नाउ पचास तो फाड़ दो नहीं, नहीं। अरे मेरे पैसे है ना फाड़ दो ना क्या प्रॉब्लम है अच्छा टेन रुपी अच्छा टेन रुपी का नोट लेट्स लेट लेट्स गेट गोई आखिरी पॉइंट टेन रुपीज के नोट पे आते हैं दस कफ दस का फाड़ दो यार क्या प्रॉब्लम है नो मैटर वट इज योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड यूल नॉट डू इट यूल नेवर डू इट हमें सिखाया गया है हम इंडियंस को सिखाया गया है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस नो मैटर आप रईस हो या गरीब हो से कुछ फर्क नहीं पड़ता सर्वाइवल स्टेबिलिटी ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी इन सबको कोई भी स्टेज पे आपका बिजनेस हो सर्वाइवल स्टेज में हो स्टेबिलिटी स्टेज में हो ग्रोथ में हो प्रॉफिटेबिलिटी में हो आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हर लेवल पे करते जाना है वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आर द दीज्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस आंसर कहीं लिख लो हंड्रेड पेजेस का बुक आपको बनाना है नोटबुक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए हंड्रेड पेजेस का बुक ढाई पेजेस के मेरे नोट्स एंड ऑफ द स्टोरी दैट विल बी इनफ टू गेट फोर्टी मार्क्स Out of 50 in strategic management.

स्ट्रैटी एट द एंड ऑफ द डेट कम्स डाउन टू किसमेटेक्टिव किया है वो अचीव करेंट्रैटेजी हम लोग हम पढ़ रहे इन द कॉन्टेक्सट ऑफ बिजनेस बाय द वे टेलमी स्ट्रैटेजी वर्ड आया कहां से वेयर इज द ओरिजिन वट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड स्ट्रैटेजी

हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस है द वेरी इनकॉपोरेशन ऑफ द आइडिया ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज इंटेंडेड ठीक है जो ऑब्जेक्टिव है हमारा बिजनेस का द वेरी इनकॉपोरेशन ऑफ द आइडिया ऑफ स्ट्रैटेजी जो आइडिया आया स्ट्रैटेजी का इज इंटेंडेड टू द कॉम्प्लेक्सिटी यानी टू ओपन अप टू रिड्यूस द कंप्लेक्सिटी ऑफ

तो क्या ये एग्जाम इजी हो जाए बताओ टेल मी जैसे बीकॉम एग्जाम दे रहे होंगे ना आप लोग तो आपको पता चल गया होगा ना कि इट्स नॉट ऑल दैट डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज पेपर हमारा हम लोग बीकॉम एग्जाम में हम लोग पेपर्स तक आ, पता कर लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम है right? फिर भी नहीं पढ़ के जाते वो बात अलग है सर्टन एग्जाम है इजी बन जाता है अनसर्टन चीजें डिफिकल्ट बन जाती है स्ट्रेटजी का यही काम है कि अनसर्टनिटी को रिड्यूस करना है बिजनेस की की एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना है जो कि एनवायरमेंट के चेंजेस के कारण आते हैं स्ट्रेटजी सीक्स टू रेट द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द मीन्स ऑफ अचीविंग दम जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है उसे अचीव करने के लिए हम जो भी करेंगे वो स्ट्रैटी होगी स्ट्रैटी इज द गेम प्लान

एकदम फेरेरो रॉशर वगैरह मत बोलना ज्यादा अंग्रेज मत बनो डेरी मिल्क डे हा 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 कैडबरी करेक्ट कैडबरी एंड किटकैट वाला कौन सा है नेस्ले करेक्ट 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 सो मोस्टली कैडबरी और नेस्ले ये मेजर ब्रांड्स है राइट right? राइट right? ये मेजर ब्रांड्स है इंडियन चॉकलेट मार्केट में और भी है बिल्कुल हम बाकी लोगों को मना नहीं कर रहे लेकिन ये मेजर है आप यूनि चॉकलेट देखोगे ना आप तो मेजरली यू विल फाइंड कैडबरी एंड नेस्ले प्रोडक्ट्स मोर ऑफन देन नॉट एक चॉकलेट है मेरी फेवरेट है हैव यू पक हैउट पक सो थोड़ा दिमाग लगाओ थोड़ा याद करो मुझे बताओ पर्क किसका प्रोडक्ट है कैडबरी या नेस्ले याद करो जरा कैडबरी पक राइट अब मैं जाता हूं शॉपकीपर को कहता हूं भैया मुझे एक पग दो मुझे एक पग दो मैं कहता हूं भैया मुझे एक पग दो वो कहता है पी अवेलेबल नहीं है इसके सब्स्टिट्यूट में वो मुझे फेरेवेर ऑशर दिखाएगा क्या बताओ इसके सब्स्टिट्यूट में मुझे वो किटकैट दिखाएगा क्या बताओ एग्जैक्ट नहीं, 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 नहीं। पांच रुपए वाला पॉक दस रुपए वाला पॉक आता है एग्जैक्ट उसी कैटेगरी में एक और सेगमेंट है एक उसी सेगमेंट में एक और प्रोडक्ट है दूसरे कंपनी का वो है मंच जो नेस्ले का प्रोडक्ट है वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ मार्केट पोजिशनिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी दैट विल पोजिशन ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेस अगेंस्ट दो इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर्स एक बात याद रखना Companies do not compete, their products compete. yaad rakhna this concept is market positioning. तो guys, strategy is the game plan that the management of the business uses to take market positioning. यानी guys suno na Cadbury ने अगर मान लो पक निकाला है, और कहीं न कहीं shortage होता ही है products का, है ना right guys? तो वैसे का वैसा प्रोडक्ट उन्होंने बना के रख दिया और लोगों के दिमाग में डाल दिया और शॉपकीपर से बताते हैं जैसा ही है मंज भी 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 और ये प्रोडक्ट अपने आप आप बिकने लग जाता है वेलकम टू द ऑफ मार्केट अब जब शॉप में जाओगे तो याद करना जब भी आप शॉप में जाओगे तो याद करना हमेशा कोई ना कोई प्रोडक्ट के लिए कोई मार्केट यू नो राइवल कंपनी का प्रोडक्ट होता ही है ठीक है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे इसके बारे में So, strategy is a game plan that the management of the business uses to take market positioning, conduct its operation, business to hai, attract the customers, and satisfy the customers. Customers ko attract karte with the help of advertisements and all. And satisfy the customers. Do you know what, what is this? Do you know by any chance what is this? Which product correct. This is फोर्ड मैंग दिस कार दिस इज वन ऑफ यू नो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिजायर्ड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिजायर्ड कार ऑन द अर्थ ऑफ ऑल टाइम्स राइट इसको कंसेप्चुलाइज करने वाले है फोर्ड के फॉर्मर मार्केटिंग एंड सेल्स चीफ ली आई कोका राइट right? अगर आपने मूवी देखी होगी फोर्ड वर्सेज फेरारी देखी आपने फोर्ड वर्सेज फरारी मूवी तो उसमें ली आइकोका को दिखाया गया है ली आइकोका ने यानी दुनिया का सबसे डिजायरेबल कार अगर कंसेप्चुलाइज किया है ली आइकोका ने अगर दुनिया का सबसे डिजायरेबल you know, कार कंसेप्चुलाइज किया है तो इनके पास कुछ ना कुछ तो होगा बताने के लिए गाइस इन्होंने एक रूल दिया है सो so, कौन सा रूल दर इज ओनली वन रूल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी सक्सेसफुल देर इज ओनली वन रूल एंड वट इज दैट वन रूल

साक्षी बोल सर्वाइवल स्टेबिलिटी कंप्लीट नहीं हुआ आंसर शुभम कंप्लीट कर इस आंसर को करेक्ट द वर्ड इज एफिशिएंसी सो गाइस दैट्स द गेम प्लान दैट्स द गेम प्लान स्ट्रेटजी इज व्हाट अ गेम प्लान दैट द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस यूजस टू टेक मार्केट पोजीशन कंडक्ट इट्स ऑपरेशन स्मूथली

यूनिफाइड वर्ड का मीनिंग मिला यूनिफाइड मींस यूनिक सो द टू द एक्सटेंड द टर्म द यूनिफाइड डिजाइन यूनिफाइड डिजाइन एंड एक्शन फॉर अचीविंग मेजर गोल्स गेनिंग कमांड ओवर द सिचुएशन विथ अ लॉन्ग रेंज परस्पेक्टिव सुनो ना हम लोग पढ़ाई का प्लान बनाते हैं या स्ट्रैटेजी है ना हम लोग हम लोग पढ़ाई का प्लान बनाते हैं स्ट्रैटेजी नहीं तो प्लान एकदम शॉर्ट रेंज होता है स्ट्रैटेजी हमेशा सॉरी कलर स्ट्रेटजी हमेशा Long range perspective. Ki hoti hai. This is also a wrong color. Sorry. Just a moment. OCD ho hai mujhe. Strategy is also uh, no plan is a short range perspective. And strategy has a long range perspective, and securing a critically advantageous position. Its implications for corporate functioning are obvious. So, guys. हम पूरी को स्ट्रैटेजी की हेल्प से हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमें सबसे इंपॉर्टेंटली कुछ एडवांटेजेस पोजिशन मिले इट्स इंप्लीकेशन फॉर कॉर्पोरेट फंक्शनिंग आर ऑब्वियस इन स्ट्रैटेजी से लॉन्ग रेंज में हमें एडवांटेजेस पोजिशन नहीं मिली तो कैसी स्ट्रैटेजी बनाई है फिर आपने स्ट्रैटेजी इज अ ब्लू प्रिंट लॉन्ग रेंज ब्लू प्रिंट एक मिनट आपका सक्सेस सीए बनने का रोडमैप बताओगे मुझे सीए बनने का रोडमैप हाँ सर फाउंडेशन पास कर लिया हमने अभी इंटर में इंटर के दोनों ग्रुप्स क्वालिफाई कर लेंगे फिर आर्टिकल शिप करेंगे दो साल का करेक्ट है फिर छह महीने का प्रिपरेशन लीव मिलेगा एंड देन वी शेल अपर फॉर सीए फाइनल एंड देन विल डू समो सम कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड मैंडेटरी कोर्सेस ऑफ आईसीआई एंड देन विल बिकम अ चार्ड अकाउंटेंट राइट गाइज ये क्या बनाया आपने ब्लू ये जितना सारा मैंने बताया वो छह महीने में हो जाता है ट्रू और फॉल्स छ महीने में एक सब्जेक्ट नहीं हो रहा हमारा ठीक है सो गाइस इट मे डिफाइन द टर्म स्ट्रेटजी एज अ लॉन्ग रेंज ब्लू प्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड इमेज डायरेक्शन ब्लू प्रिंट ब्लू प्रिंट यानी ब्लू प्रिंट यानी क्या वॉट यू मीन बाय ब्लू प्रिंट आर्किटेक्चर ब्लू प्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड इमेज डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन डिजायड इमेज डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन फॉर एग्जाम्पल वॉट इट वॉन्ट्स टू बी ठीक है वॉट इट वॉन्ट्स टू डू हाउ इट वॉन्ट्स टू डू द थिंग्स एंड वेर इट वॉन्ट्स टू गो ये सारे सवालों के जवाब रहेंगे कहा स्ट्रैटेजी में चलो सुनील मित्तल नाम का एक इंसान था जिन्होंने इंडिया में पुश बटन फोन्स बनाना शुरू किए क्या नाम था सुनील मित्तल ठीक mm -hmm. है पुश बटन फोन्स सर इन्हें पहले कौन से बटन होते पुश बटन ओ यार लीग हो गया यार आंसर शेड यार सॉरी सो स्ट्रेटजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑगनाइज डिजाइड डायरेक्शन डेस्टिनेशन व्हाट इट वांट्स टू डू हाउ इट वॉन्ट्स टू डू एंड वेर इट वॉन्ट्स टू गो एग्जाम्पल के तौर पर आपको दे रहा हूं एयरटेल की एयरटेल एक दिन में बन गया ट्रू ऑफ इसके पीछे बहुत लंबा चौड़ा ब्लू प्रिंट था बताता हूं आपको एयरटेल इज भारती एयरटेल इसके चेयरमैन है मिस्टर सुनील भारती मित्तल इसके चेयरमैन है मिस्टर सुनील भारती मित्तल कंपनी इनकोपरेटिवीन हुई 1995 में भारती ग्रुप की ओनरशिप में हुई है लेकिन आज एयरटेल कितना बड़ा है शायद आपको नहीं पता है हमको लगता है सिर्फ सेलुलर फोन कंपनी है ये, ठीक है सेलुलर सर्विसेज प्रोवाइड करती है ऐसा आपको लगता है लेट्स सी 1995 से पहले भी थी ये कंपनी भारतीय एयरटेल लिमिटेड इज अ लीडिंग ग्लोबल टेलीकॉम कंपनी विथ ऑपरेशन इन हाउ मेनी कंट्रीज ट्वेंटी कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना ही पड़ता है हमें समझने के लिए ये फोन में कैसे लगता था कैसे कॉलिंग होती थी तुमने देखा ये फोन आपने देखा ये फोन किसी पुरानी मूवी में देखा होगा तो सो so ये ऐसे ऐसे घूमता था उसमें हैपन हम्म mm -hmm. तो इसमें बहुत टाइम लगता था पेशेंस तो में है ही नहीं क्या कहते हो <laughs> पेशेंस तो में है ही नहीं क्या कहते हो बोलो सो so गाइस जो सुनील भारती मित्तल जो चेयरमैन थे अब तो आज तो तुमको सब ग्लोरिफाइड नजर आ रहा है बट इट ऑल स्टार्टेड विथ वॉट इन्होंने इन फोन को ये घुमाने वाले फोन को पुश बटन फोन से रिप्लेस करने के लिए असेंबली यूनिट स्टार्ट किया जहां पे ये वाले फोन बनते थे आई गेस आपने ये फोन देखे होंगे जरूर डिड यू सी एक धुंधला धुंधला चांस है कि तुमने जरूर देखा होगा और इसमें केबल लगी होती थी अब केबल फोन को, को केबल आज देखो आज का जमाने में ना तो हमारे पास तो अभी स्मार्टफोन ही आ गए तो यू you नो know, वो तो ये तो ये तो ऐरा ही अलग है इसका तो डिस्कशन करके कोई फायदा ही नहीं है पहले के जमाने में ऐसे उसके पास जाके बात करना पड़ता था इसका इमीडिएट नेक्स्ट जनरेशन क्या था कॉडलेस In the early '90s, Bharti was making fax machine and cordless phone, another telecom gear. In 1992, he successfully bid for one of the four mobile phone network licenses auctioned in India: mobile phone licenses ingy, cellular phone calling facility. Or he was one of the first Indian entrepreneurs to identify the mobile telecom business as a major growth area. His plans were finally approved by the government in 1994, and he launched the services in Delhi. भारतीय सेल्यूलर लिमिटेड बीसीएल कहते थे उसको वॉज फ्रॉम टू ऑफर सेल्यूलर सर्विस अंडर द ब्रांड नेम एयरटेल क्या इनका विजन टू एनरिज ऑप्शन लाइफ थ्रू एन एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस मिशन क्या है हंगर टू विन द कस्टमर्स फॉर लाइफ ये फिलोसॉफी है इनकी ऐसा सोचते लोग आई हैव बीन यूजिंग सेल्यूलर फोन सिंस टू थाउजेंड फाइव एंड इट्स बीन एटीन ईयर एंड बीन एन एयरटेल यूज सो देवी फॉर लाइफ एटलीस्ट नाउ सिर्फ सेल्यूलर सर्विसेस देती है ये लो क्या क्या करती है देखो टेलीमीडिया डिजिटल टीवी एंटरप्राइज मोबाइल डेटा सर्विसेज एंड बिजनेस सोल्यूशन और इतने सारे सर्विसेस यू नेम इट दे प्रोवाइड इट एक दिन में हुआ है ना यह सब दिसन इन अ डे राइट नो no गाइस ये सब कुछ ब्लूप्रिंट बना हुआ होगा हमें किस डायरेक्शन में जाना है हमारा डेस्टिनेशन क्या है व्हाट इट वांट्स टू बी व्हाट इट वांट्स टू डू हाउ इट वांट्स टू डू द थिंग्स एंड वेयर इट वांट्स टू गो ये सब विजन विजन रेडी रहना चाहिए ये सब कुछ पार्ट है किसका किसका पार्ट है ये सब कुछ स्ट्रैटेजी का लॉन्ग रेंज होता है ये एयरटेल हमको अभी नजर आ रहा है 1984 से मेहनत कर रहे हैं सुनील मित्तल जी राइट फ्रॉम पुश बटन की प्लास्टिक अच्छा, का आउटर पार्ट किसी और से खरीद रहे होगा खरीद रहे होंगे की पैड किसी और से खरीद रहे होंगे केबल किसी और से खरीद रहे होंगे इंडिया में सिर्फ असेंबल कर रहे है. ऐसा यूनिट बनाया था इट एज स्टार्टेड फ्रॉम 1980 84 गाइज दिसोरी प्लान राइट सर एग्जाम में एयरटेल पे क्वेश्चन आएंगे क्या जी नहीं ये स्टडी है आपको कोई एयरटेल नहीं कोई टेलटेल नाम काम का कंपनी का एग्जाम्पल लेके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं बाय द वे जैसे ही मैं स्ट्रेटजी बोलता हूं द फादर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैन यू टेल हिज नेम टू मी रेजो है फादर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वेरी गुड सानिका दैट्स इट ओनली वन स्टूडेंट बाकी सगे तुम्हें सगे पुढ़ वर्षी पहू का फादर ऑफ एसएम एम ईशिका वर्ड आंसर शुभम बोल बेटा करेक्ट सर आइगर एंड सॉफ्ट इज द फादर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट उन्होंने स्ट्रैटेजी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट दिया है Strategy is what it's the common thread amongst the organization's activities, product and markets that defines the essential nature of the business that organization has or plan to be in the future. ATEL एक दिन में बनाया, true or false बोलो, 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 बोलो। कहाँ से यहाँ से शुरुआत हुई है इन्हें telecom industry में आगे क्या-क्या हो सकता है इसका vision सुनील मित्तल या मित्तल के पास ऑलरेडी था और धीरे 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 अपग्रेड करते गए नाउ एक इकलौती सर्वाइवर कंपनी है जो एयरटेल को जो जियो को अच्छे से कंपटीशन दे रही है इसका मतलब दे हैड अ ब्लूप्रिंट राइट फ्रॉम बिफोर प्रोडक्ट में कौन से मार्केट में कितनी कंट्रीज में एयरटेल बोलो कितनी कंट्रीज में ट्वेंटी कंट्रीज इन टू कॉन्टिनेंट्स सो स्ट्रेटी है ये इट्स अ कॉमन थ्रेड एक्टिविटी टू बी इन द फ्यूचर दट स्ट्रैटी फादर ऑफ एस एम उसके बाद एक और नाम है विलियम ग्लॉक हैव यू हर्ड अबाउट ग्लॉक एंड जॉर्ज एवर है सी ए फाउंडेशन में था ये एक जमाने में उनके हिसाब से स्ट्रेटजी क्या थी सर विलियम ग्लॉक ने भी स्ट्रेटजी को डिफाइन किया unified, है यूनिफाइड व्हाट डू मीन बाय द वर्ड यूनिफाइड थोड़ी देर पहले बताया जल्दी बताओ व्हाट डू मीन बाय द वर्ड यूनिफाइड यूनिक कॉम्प्रिहेंसिव व्हाट डू मीन बाय कॉम्प्रिहेंसिव 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 हाथ दुख गया मेरा जल्दी बताओ कॉम्प्रिहेंसिव व्हिच कवर्स एवरीथिंग a unified, comprehensive and integrated plan designed to assure that the basic objectives of the business are achieved. what are the basic objectives of a business? tell me. General... survival, stability, growth, profitability and efficiency. so, guys, <clears throat> strategy, a unified, comprehensive and integrated plan designed to assure that the basic objectives of the business are

कितना भी चैलेंज आ जाए सरवाइव कर सके और सक्सेसफुल रहे जैसे एयरटेल ने एक जमाने में बहुत पैसा बनाया जियो आने से अगले तीन साल तक उन्हें प्रॉफिट नहीं हुए बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे टाटा डोकोमो एयरसेल यूनियन और ये बंद हो गए क्या एयरटेल बंद हुआ नहीं इट्स सर्वाइव इट सर्वाइव बिकॉज इट हैड अ गुड स्ट्रैटजी स्ट्रैटी इज मेंट टू फिल द नीड स्ट्रैटेजी इज मेंट टू फिल द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ सेंस ऑफ डायनामिक डायरेक्शन फोकस कोजिवनेस डायनेमिक डायरेक्शन इट शुड कीप ऑन चेंजिंग क्या कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स बदलती है बताओ क्या कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स बदलती है बताओ हा काफी कंपनीज अपने प्रोडक्ट बदलती है जैसे इट स्टार्टेड विथ असेंबलिंग फोन यूनिट लेकिन इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा डाला टाटा स्काय जैसा प्रोडक्ट इनके पास भी एक डिजिटल टीवी डी डायरेक्ट टू होम एयरटेल के पास भी है तो ये तो नया प्रोडक्ट है ना? So नाइज हमेशा कोशिश करो कि जहां जहां एनवायरमेंट अपॉर्चुनिटी देता है उसको ग्रैप करें डायनेमिक डायरेक्शन फोकस और ये सारे बिजनेस एक साथ जुड़े हुए रहने चाहिए कोशिश करो ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स आर एसेंशियल टू गिव अ डायरेक्शन टू बिजनेस बट दे डू नॉट फिल इन द नीड अलून ठीक है सो so गाइज सिर्फ ऑब्जेक्टिव और गोल से काम नहीं होता उससे पूरी कंप्लीट नहीं होती हमें एक स्ट्रेटेज चाहिए स्ट्रेटी प्रोवाइड्स व्हाट फ्रेमवर्क व्हाट फ्रेमवर्क एन इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क इंटीग्रेटेड यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ फ्रेमवर्क फॉर टॉप मैनेजमेंट टू सर्च फॉर एंड इवैल बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज एनवायरमेंट आपको थ्रेड देती है लेकिन एनवायरमेंट आपको अपॉर्चुनिटीज भी देती है वो अपॉर्चुनिटीज को इवाल्युएट करो और एक्सप्ल करो जैसे चार्ल्ड अकाउंटेंसी कोर्स थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी बोलो अपॉर्चुनिटी इतना negatively बोला ना तुमने कि threat sound किया वो बट इट्स टू पर अगर अपॉर्चुनिटी है तो इसको एक्सप्लॉयट करो और अगर थ्रेट है तो उसको पहचानो परसीव करो थ्रेट्स एंड क्राइसिस क्राइसिस एन ए डिफिकल्ट सिचुएशन एंड टू मेक फुल यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड स्ट्रेंथ एंड टू ऑफ सेट कॉर्पोरेट वीकनेस अपनी स्ट्रेंथ का पूरा इस्तेमाल करो और जो भी वीकनेसेस है उसको क्या करो ऑफसेट करो व्हाट डू मीन बाय द वर्ड ऑफसेट ऑफसेट यानी कम करो कब करो इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट इट्स इंपॉर्टेंट नोट दैट स्ट्रेटजी इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट

ऐसा नहीं होगा ठीक है इट इज द वेरी नेचर ऑफ स्ट्रेटजी दैट इट इज फ्लेक्सिबल एंड ट्रैगमेटिक टू टेक केयर ऑफ सडन इमरजेंसीज सो इमरजेंसी आपको ना स्ट्रेटजी की तरफ एक बात ध्यान देनी पड़ेगी कि स्ट्रेटजी कभी भी परफेक्ट नहीं रहेगी परफेक्ट स्ट्रेटजी कभी भी कैसी नहीं रहेगी परफेक्ट परफेक्ट नहीं रहेगी फ्लॉलेस नहीं रहेगी फ्लॉलेस उसमें कमियां रहेगी ऑप्टिमल या ना एकदम बेस्ट ऐसा नहीं होगा कभी इट विवर बी इट विल नेवर बी दीज थ्री थिंग्स ठीक है कभी मत सोचना कि आपने एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर ली और वो आपके लिए सक्सेस ला के दे देगी नो का इज नॉट नेसेसरी इट कैन नेवर बी परफेक्ट इट कैन नेवर बी परफेक्ट इट इज द वेरी नेचर ऑफ स्ट्रेटजी दैट इट इज फ्लेक्सिबल एंड प्रेगमेटिक टू टेक केयर ऑफ अ करंट ऑफ सडन इमरजेंसीज वट इीन बाई प्रैगमेटिक प्रैक्टिकल सडन इमरजेंसी आ गई प्रेशर आ गया तो फेलियर और फ्रस्ट्रेशन अवॉइड करने में हेल्प करता है इन अ स्ट्रेटजी इन अ गुड स्ट्रेटजी अलाउंसेज आर मेड फॉर पॉसिबल मिसकैलकुलेशन एंड अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स यानी अनएंटिसिपेटेड यानी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए आपके पास थोड़ा सा एक ऑप्शन होता है लीवे होता है जैसे एक बात बताओ ग्रुप वन में एक एग्जाम्पल के तौर पे ग्रुप वन में आपको कौन सा सब्जेक्ट है ग्रुप टू तो अभी पढ़ रहा हो अभी तो आपको जजमेंट नहीं आएगा सब्जेक्ट का अब तक ग्रुप वन में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसपे आप बहुत ज्यादा बैंक करते हो कि यार इस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स लाऊंगा लॉ लॉ अकाउंट्स टैक्स कौन सा सब्जेक्ट है जहां पे आप लॉ एंड अकाउंट है ना तो मान लेते हैं हमारा अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे हम स्टूडेंट्स अकाउंट्स पे बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं और मान लेते हैं टैक्स का छोड़ दो मैं बराबर बोल रहा हूं ना टैक्स का छोड़ दो मैं बराबर तो बोल रहा हूं ना सो स्टूडेंट्स यानी मैंने जो देखा है स्टूडेंट्स अकाउंट्स पे बहुत ज्यादा भरोसा करता है और पहला ही पेपर धोखा दे देता करेक्ट है क्या सो गाइस साउंड स्ट्रेटजी में आपको मिसकैलकुलन के लिए थोड़ा सा अलाउंस देना पड़ेगा हम अकाउंट्स को स्ट्रेंथ बना के जाते हैं और फिर पता चलता है कि यार हमें तो आ ही सिक्सटी मार्क्स का रहा है और हम लोग सोच रहे थे कि एटी मार्क्स लाएंगे अकाउंट्स में होता है ऐसे सॉल्व so भी सिक्सटी सिक्सटी फाइव मार्क्स का होता है काफी बार तो क्या उस वक्त परेशान नहीं होना थोड़ा सा स्ट्रैटेजी में फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा होनी चाहिए फॉर मिसकैल्कुलेशन अलाउंसेज आर मेड अगर स्ट्रैटी फ्लेक्सिबल नहीं रही तो वो स्ट्रैटेजी सही नहीं है स्ट्रैटेजी में हमेशा क्या रहना चाहिए देखो लिखा है वहां पे। इट इज द वेरी नेचर ऑफ द स्ट्रैटी दैट इट इज फ्लेक्सिबल एंड प्रमेटिक फ्लेक्सिबल होनी चाहिए प्रैक्टिकल होनी चाहिए तो भाई जैसे अस्सी का टारगेट बना के आए थे हमको पेपर एकदम डिफिकल्ट लग रहा है तो डरना नहीं एटी से सिक्सटी पे आ जाओ सर सिक्सटी भी नहीं मिल रहा है डरना नहीं डरना नहीं सिक्सटी से फिफ्टी पे आ जाओ सर फिफ्टी भी नहीं मिल रहा है डरना नहीं डरना नहीं फोर्टी फाइव पे आ जाओ सर फोर्टी फाइव भी नहीं मिल रहा है भी करके कुछ भी करके चालीस लाख करेक्ट है सडन इमरजेंसी के लिए सडन प्रेशर के लिए स्ट्रेटजी में दूसरा ऑप्शन भी होना चाहिए इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज आर फॉर्मुलेटेड एट द कॉपोरेट लेवल डिविजनल लेवल एंड फंक्शनल लेवल तीन लेवल्स होती है स्ट्रेटजीज की कॉपोरेट लेवल की कॉपोरेट लेवल होती है टॉप लेवल बिजनेस लेवल या डिविजनल लेवल और तीसरा लेवल होता है फंक्शनल लेवल कृपया यह डायग्राम बनाए जल्दी स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, कॉपरेट लेवल बिजनेस लेवल फंक्शनल लेवल बिजनेस को आप डिवीजन भी लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है All right, guys. I hope it's done. Is it? Yes, sir. Perfect. इस पर और डिस्कशन हम करने वाले हैं, but not today. So, corporate strategies are formulated by the top managers. कौन से लेवल के मैनेजर्स फॉर्मूलेट करते हैं स्ट्रैटेजीज़? टॉप लेवल के मैनेजर्स, टॉप लेवल के मैनेजर्स, ठीक है? कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज आर फॉर्मुलेटेड टॉप मैनेजर्स सच स्ट्रेटजीज इंक्लूड डिटर्मिनेशन ऑफ प्लान्स फॉर एक्सपांशन ग्रोथ क्या लगता है तुमको एयरटेल के लिए कौन स्ट्रेटजीज बनाता होगा एयरटेल के लिए कौन स्ट्रेटजीज बनाता होगा दीज आर द गाइस सुनील भारती मित्तल एंड हिज टीम स्ट्रैटी का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते किस लिए ऑपरेशनल काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं करवाते स्ट्रैटजीज पे उनका ध्यान होता है रिलायंस के लिए कौन बनाता होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए बोलो बोलो टॉप मैनेजर कौन है कौन है राइट सो गाइज या कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज आर फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप मैनेजर्स सच स्ट्रेटजीज सच स्ट्रेटजीज इंक्लूड द डिटर्मिनेशन ऑफ प्लान फॉर एक्सपांशन एंड ग्रोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होता है हम सब डिस्कस करेंगे नॉट इमीडिएटली वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हमारे पास इसके लिए पूरा चैप्टर है डायवर्सिफिकेशन टेक ओवर्स एंड ओवर जस्ट अ मोमेंट मैं आपको बता देता हूं ये सारी चीजें हम लोग कौन से चैप्टर में पढ़ने वाले चैप्टर नंबर फोर्थ स्ट्रेटेजिक चॉइसेस चैप्टर नंबर फोर्थ स्ट्रेटेजिक चॉइसेस जो हमारा चैप्टर है के अंदर कौन से कौन सी स्ट्रैटेजिक चॉइसेस होती है ग्रोथ की expansion की वो है कॉन्सेंट्रिक कॉन्ग्लोमरेट मार्केट प्रोडक्ट डेवलपमेंट इनोवेशन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन देखो जो हम अभी पढ़ रहे हैं टर्न अराउंड डायवर्सिटेशन लिक्विडेशन सो सोज हमें इसको अभी टेंशन नहीं लेना है स्ट्रेटेजिक चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे अभी सिर्फ समझ लो ये सारी ग्रोथ की अलग अलग चॉइसेस है कॉन्सेप्ट है उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन उसके बाद टेक ओवर वी मै टेक ओवर टेक ओवर क्या टेक ओवर क्या किसी कंपनी को खरीद लेना जैसे व्हाट्सएप को किसने टेक ओवर किया था बताओ व्हाट्सएप हा फे, तब फेसबुक कहते थे, थे उसको तो इट वाज टेक ओवर उसके बाद मर्जर वोडोफन आइडिया का क्या हुआ है क्या बना है वी आई मर्जर राइट एंड न्यू इन्वेस्टमेंट एंड डायवेस्टमेंट एरियाज रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड ऑन तो ये कौन करता है कौन से लेवल के लोग ये काम करते हैं टॉप मैनेजमेंट अच्छा एक मिनट यहां पे एक वर्ड आया है क्या है वो वर्ड डाइवेस्टमेंट अब तक जो हमने सारी चीजें पढ़ी थी वर्टिकल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन टेक एंड मोर्जर्स न्यू इन्वेस्टमेंट एंड डाइवेस्टमेंट डाइवेस्टमेंट ये इकलौता नेगेटिव वर्ड है डू मीन बाय द वर्ड डाइवेस्टमेंट डू मीन बाय बाय द द वर्ड वर्ड डाइवेस्ट कम ऑन डू मीन डाइवेस्टमेंट एक होता है इन्वेस्ट एक होता है इन्वेस्ट दूसरा क्या होता है डाइवेस्ट सो गाइज किसी प्रोजेक्ट में से पैसे विड्रॉ कर लेना इसको कहते हैं डाइवेस्टमेंट डाइवर्ट करवाना पैसे को इसको कहते हैं तो गाइस क्या ऐसा भी हो सकता है काफी बार अगर हमारा वो बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है तो उसमें से फंड्स निकाल लेने चाहिए बोलो यस yes. हर बिजनेस थोड़ी ना चलता है रिलायंस ने भी बिजनेस फेलियर देखा है तो वो ऐसे वक्त डाइवर्ट कर देते हैं दिस कॉर्पोरेट वाइड स्ट्रेटजीज नीड टू बी ऑपरेशनलाइज्ड बाय डिविजनल एंड फंक्शनल स्ट्रेटजीज रिगार्डिंग प्रोडक्ट लाइंस प्रोडक्ट वॉल्यूम्स कितना कौन से प्रोडक्ट लाइन बनाना है कितना प्रोडक्शन करना है कितना भी प्रोडक्शन कर दो ट्रू और फॉल्स बोलो जी नहीं देन क्वालिटी रेंजेस क्वालिटी रेंजेस एक ही कंपनी एक ही प्रोडक्ट की दो अलग अलग क्वालिटीज देता है करेक्ट एक ही कंपनी एक ही प्रोडक्ट की दो अलग अलग क्वालिटीज देता है यानी सुनने में ये एक्सेप्टेबल नहीं लगता लेकिन ऐसा होता है देख लो ना नेस्ले का प्रोडक्ट है मंच करेक्ट है गाइस नेस्ले का प्रोडक्ट है मंच yes. yes, इसमें वेफर ज्यादा होता है चॉकलेट थोड़ा कम होता है और थोड़ा सस्ता प्रोडक्ट है रिलेटिवली इसका प्रीमियम वर्जन बताओ तो कौन सा है मंच का प्रीमियम वर्जन नेस्ले का ही प्रोडक्ट है किट कैट वेफर कम चॉकलेट ज्यादा इट्स मोर टुवर्ड्स डेसर्ट। इतना ज्यादा चॉकलेट होता है उसमें गाइस नेस्ले ही एक प्रोडक्ट गरीब लोगों के लिए यानी जिनको सस्ता प्रोडक्ट चाहिए उनके लिए और जिनको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए उनके लिए अच्छा किटकैट में भी वो महंगा प्रोडक्ट और बनाते हैं चॉकलेट पुडिंग टाइप की चीजें बनाते हैं वो देखना आप छोटा सा होता है हंड्रेड रुपीज हंड्रेड फिफ्टी रुपीज का होता है छोटा सा चॉकलेट अलग अलग क्वालिटी रेंजेस प्राइजेस प्रोडक्ट प्रमोशन मार्केट पेनेट्रेशन परचेजिंग सोर्सेस पर्सनल डेवलपमेंट पर्सनल वडी मिन बर्ड पर्सनल कल बताया था हमने वॉीमिनल पर्सनल यानी एम्प्लॉयज एम्प्लॉय का डेवलपमेंट जरूरी है yes. Yes, ये जो प्रोडक्ट था किसने इंट्रोड्यूस किया था किसका आइडिया था किसका कंसेप्ट था मस्टैंग नो हेनरी फोर्ड नहीं, ली आइको का यही तो बताया ली आइको का ने सेल्स और मार्केटिंग में आया लेकिन वो जब ज्वाइन किया था तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में था उसको डेवलप किया गया उसको डेवलप किया गया आप लोग भी जब पीडब्ल्यूसी वगैरह ज्वाइन करोगे पीडब्ल्यूसी डॉइट तो आपको क्या लगता है आपको ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे वो समझ रहे हो क्या आपका एग्जाम होगा सीए बनने के बाद भी इस एग्जाम छूटेगी नहीं क्या नहीं छूटेगी कुछ बनना है तो और भी पढ़ाई करनी पड़ेगी सो हाइस पर्सनल डेवलपमेंट और लाइक ये सारी चीजें करनी पड़ती है ठीक है एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी ठीक है दिस इज डिस्कड इन डिटेल इन द टॉपिक्स सर इसमें तो बहुत सारा पढ़ाने वाला मैटर है जी हाँ तो हम लोग आगे आने वाले टॉपिक्स में इसको पढ़ने वाले हैं सो गाइस स्ट्रेटजी हमारा अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है वी हैव जस्ट हैड थोड़ा सा पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी थोड़ा सा पार्ट ऑफ कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी कल के लेक्चर में हमने मैनेजमेंट पढ़ा आज के लेक्चर में हमने स्ट्रेटजी पढ़ी है आर वी रेडी फॉर द क्विज गाइस शैल वी बोलो और राइट और राइट चलो लेट्स सी लेट्स गो फॉर द क्विज गिव मी अ मोमेंट इट गाइज सो देर आर थ्री क्वेश्चन मेक श्योर यूर आंसर करेक्टली एंड यू आंसर फास्ट ऑरवाइट सो आई वी रेडी जो हमने आज पढ़ा है उसी के ऊपर पूरे क्वेश्चन है तो मेक द मोस्ट ऑर्ट ऑफ इट मेकअप्रे स्टार्ट ओवाइट फर्स्ट क्वेश्चन गाइज यू गो फर्स्ट क्वेश्चन हर आंसर करने के लिए आपको थर्टी सेकेंड मिलेंगे मेक श्योर योर आंसर इज करेक्ट ए बी सी डी ऐसे चार ऑप्शन होंगे हमारे एग्जाम में एमसीक्यूज भी आते हैं इसलिए हम लोग हर लेक्चर के एंड में ऐसा एमसीक्यू बेस्ड क्विज जरूर लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन हियर वी गो अ यूनिफाइड कॉम्प्रीएस इंटीग्रेटेड प्लान डिजाइन टू अशो दैट द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव एंड अचीव्ड दिस कोट वॉज गिवन बाय सर आइगर एंडसॉफ सर विलियम ग्लॉक माइकल पोर्टर हेनरी मिन्सबर्ग a unified comprehensive and integrated plan designed to assure that the basic objectives of the enterprise are achieved come on guys three seconds to go come on make it fast all right guys the correct answer is mr william glock unified what do you mean by the word unified guys unified unique comprehensive what do you mean by the word comprehensive which covers everything. Integrated, what do you mean by integrated? L linked to each other. All the plans are linked to each other, and that is a strategy. This was given by Sir William Glock. Let's check out the leaderboard. Sanika, as usual, Kalbi Sanika was first. फर्स्ट सेक्स फॉलोड बाय खुशी देन शुभम पार्थ संपदा संजना इशिका हिरेन भव्य एंड साक्षी वेल डन गाइस चलो टू मोर क्वेश्चंस टू गो कम ऑन मेक योर मार्क कम ऑन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन गो 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 स्ट्रैटजीज लाइक द प्लान फॉर एक्सपांशन ग्रोथ डायवर्सिफिकेशन टेक आर द टास्क ऑफ विच लेवल कॉर्पोरेट लेवल्स डिविजनल लेवल फंक्शनल लेवल बिजनेस लेवल एक्सपांशन ग्रोथ डाइवर्सिफिकेशन टेकओवर ये कौन से लेवल के टास्क है राइट right, सुनील भारती मित्तल यू you नो know, मुकेश अंबानी ये कौन से लेवल के लोग है ये टॉप लेवल के लोग है ये कॉपोरेट लेवल के लोग हैं धीरे 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 और केटर होगा बट आई एम ग्लैड वेल लेट्स चेक अगेन सो सानिका गॉड शुभम और पार्थ दोनों गए सानिका स्टॉपिंग द चार्टंस अगेन फॉलोड बाई संजना देन ईशिका देन साक्षी भव्य खुशी अथर्व शुभम पार्थ नीमो वेल्ड एन गाइज वन मोर क्वेश्चन टू गो don't let it go just like that don't let it go without a fight all right aha uh -huh. one more question come on guys go 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 strategy as a dash blueprint of an organization desired image direction and destination strategy is an annual blueprint short range blueprint long range blueprint planning blueprint ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिजाइर्ड इमेज डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन एम गोल्ड दीज आर दीज आर एमसीक्यूज गोल्ड सो गाइज यस, व्हाट्स यू आंसर स्ट्रैटेजी देखो ये जो ये जो बिना पढ़े आंसर दे रहे ना वो ये लोग हैं। स्ट्रैटी एज अ लॉन्ग रेंज

राइट मैनेजमेंट वी आर इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हम लोग चैप्टर पे है मैनेजमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं स्ट्रैटेजी वी आर लेफ्ट मिड वे वी शेल कंप्लीट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑलरेडी गाइज एनी डाउट कोई वर्ड नहीं समझाए कोई प्रॉब्लम कहीं डाउट नो शेल बी कॉल इट एडे ऑल राइट गाइज दिस पवन गाउक साइन ऑफ सी इन द नेक्स्ट वीडियो डिल देन टेक केयर ऑफ यूर से